श्री लीला शाह जी की ज्ञान गठरिया अपने शीश उठाया है। कर तपस्या बापू जी ने जो ज्ञान खजाना पाया है, उसी ज्ञान को ऋषि प्रसाद ने जन जन तक पहुंचाया है। गुरु पूनम के महापर्व पर ऋषि प्रसाद जयंती आई है, इन दोनों पर्वों की हम लख लख देत बधाई हैं। सन 1990 के गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर समूचे विश्व को ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने एक उपहार दिया था, जिसका नाम था ऋषि प्रसाद। एक साधारण सी दिखने वाली इस पत्रिका का असर जब असाधारण दिखने लगा, तो ऋषियों का ये प्रसाद यानी ऋषि प्रसाद देश ही नहीं विदेशों में भी पहुंचने लगा। एक भाषा में शुरू हुई ऋषि प्रसाद अब 10 भाषाओं में छपने और बटने लगी है। ये एक मासिक पत्रिका है जो गुरु संदेश को भक्तों के घरों तक पहुंचाती है। कुप्रचार के युग में सुप्रचार करने का साहस लल्लू पंजू का नहीं होता है। निस्वार्थी ऋषि प्रसाद के सेवक, बुद्ध के सेवकों का नाम सुनकर लोग पत्थर मारते थे, फिर भी बुद्ध के सेवकों ने बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। ऐसे ही मेरे ऋषि प्रसाद के ऐसे लाडले और लाडलियां बच्चियां हैं कि घर घर जाकर ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाते। आपको भी कोई मेंबर बनाने का अवसर मिले तो चुकना नहीं। लोगों को भगवान से जोड़ना और संत वाणी से जोड़ना, ये बड़ी अपने आप में बड़ी भारी सेवा है। तो हमारे पास भी ऐसे ही हैं, जैसे बुद्ध के पास भिक्षुक थे, ऐसे हमारे पास भी ऋषि प्रसाद वाले जिंदाबाद हैं। ऋषि प्रसाद की संख्या बढ़ती जाएगी। निरंजनी अखाड़ा के अवधूत महामंडलेश्वर श्री स्वात्म बोधानंद पुरी जी ने ऋषि प्रसाद के बारे में अपने मन के विचार व्यक्त किए और कहा, ऋषि प्रसाद महान सत साहित्य है। ऋषि प्रसाद कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ऋषि प्रसाद एक महान पुस्तक है। पवित्र ऋषि प्रसाद के माध्यम से हमारी मलिन हुई सभ्यता और संस्कृति, हमारा कलंकित हुआ इतिहास ये बदला जा सकता है। आज लाखों की संख्या में ऋषि प्रसाद जा रहा है, आज लाखों के घर में ये जा रहा है, तो मैं चाहूंगा करोड़ों के घर में ये ऋषि प्रसाद पहुंचे, ताकि हमारे देश की पीढ़ियां, हमारे देश की जनता हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और पर्वों के महत्व को समझ सके। हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनंजय देसाई ने ऋषि प्रसाद के बारे में अपने मन के विचार जब व्यक्त किए, तो साफ साफ कहा कि ऋषि प्रसाद घर घर पहुंचाने वालों का विश्व युगों युगों तक ऋणी रहेगा। ऋषि प्रसाद पुस्तक के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं तक भारत का गत वैभवशाली परम्पराए और ऐसी कुछ नुस्खे जिससे उनका उत्थान हो, उनके पीढ़ियों का, उनके पुष्टों का उत्थान हो, उनके कर्म दोष का निवारण होकर वो भक्ति मार्ग के ऊपर सफल हो, ऐसे कुछ नुस्खे, ऐसे कोई टेक्निकल पॉइंट्स शास्त्र में, जो धर्म के शास्त्र में है, वो बताए जाते हैं सरलता से, सुलभता से। और ये ऋषि प्रसाद निर्माण करने वाले आसाराम बापू, उनके जो साधक है, जिन्होंने घर घर तक इस ऋषि प्रसाद को पहुँचाया है, ये कोई पुस्तिका नहीं है, किताब नहीं है, ये एक धर्म ग्रंथ है आज के कलयुग का। तो मेरे गुरुदेव क्या करते थे कि 10 महीना तो समाज में प्रचार प्रसार की सेवा, सत्संग, जैसे मैं घूमता हूँ, 2 महीना मेरे गुरुदेव एकांतवास रहते नैनीताल के जंगलों में, आश्रम था। वहाँ भी वे महापुरुष क्या करते कि थोड़ा समय निकाल कर कुछ किताबें ले जाते, युवा धन, महान नारी आदि, उस समय के ये नाम भले अभी अपने दूसरे रखे, लेकिन इसी प्रकार की पुस्तकें, इसी प्रकार की पुस्तकों की गठरी सिर पे उठाते थे मेरे गुरुजी। 80 साल की उम्र में भी पहाड़ी से नीचे उतरे और दूसरी पहाड़ी पे जाते समय तो कितने घंटे लगते, फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करते और उनको थोड़ा सत्संग सुनाते। प्रसाद तो बोझा वाला प्रसाद तो उठाना ठीक नहीं था, तो थोड़ी किशमिश बांध लेते थे, किशमिश, और सबको किशमिश का प्रसाद देते और पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा देते। युवान युवतियों को युवाधन पुस्तक जैसा, नारियों को महान नारी जैसा,
भक्तों को भगवान की भक्ति बढ़े, ऐसा छोटी छोटी पुस्तक है, कोई बड़ी पुस्तक है। फिर बोलते कि आज शुक्रवार है ना, तो बीच वाला शुक्रवार छोड़ के 15 दिन के बाद फिर आऊँगा। जो पुस्तक जिसको जो अच्छा लगे वो लिख लेना, ये पुस्तक वापस ले जाऊँगा। ऐसा करके उन महापुरुषों ने लोगों तक, गांवों तक ऋषि प्रसाद पहुँचाया। अर्थात वो धर्म की पुस्तक है, ऋषियों का ही प्रसाद है। जैसे आपके ऋषि प्रसाद में शास्त्रों की बात आती है, ऐसे ही शास्त्र पहुँचाए महापुरुष। अब मेरे गुरुदेव ने इतना श्रम करके वहाँ पहुँचाया, और घूमते घामते गोधरा में गुरुदेव का सत्संग था और वहाँ मेरे को दर्शन हुए। फिर मैं कई जगह पर घूमा ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन देखा कि जिन महापुरुष के दर्शन करने से वो महसूस हुआ उन्हीं के पास, तब हम नैनीताल गए। तो इतना श्रम करके जिन महापुरुषों ने शास्त्र का प्रसाद लोगों तक पहुंचाया, और उन्हीं महापुरुषों की कृपा प्रसादी अब सत्संग के रूप में और ऋषि प्रसाद के रूप में, ऋषि प्रसाद के सेवकों के द्वारा घर घर अभी भी पहुंच रही है। लेकिन फर्क यह है कि वे गठरी बांधकर सिर पर ले जाते थे, और अभी उनके पोते, मैं बापूजी का शिष्य तो बेटा, और ये मेरे शिष्य उनके पोते, वही काम अपने ढंग से कर रहे हैं। नारायण नारायण। कोई साइकिल पर ले जाते हैं, तो कोई स्कूटर पे ले जाते हैं, तो कोई बस में ले जाते हैं, कोई थैले में पैदल ले जाते हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं। और वो पुस्तकें अनेक होती है, और ऋषि प्रसाद एक है, और उसमें अनेकों का थोड़ा थोड़ा हर महीने मिलता रहे। वहाँ तो साल में 2 महीने तक गुरुजी ऐसा करते थे, यहाँ तो साल में 12 महीना ताज़ा प्रसाद मिलता रहे लोग। मुझे तो लगता है कि मेरे गुरुजी के श्रम से आपका श्रम कम है, लेकिन सेवा आपकी दूर तक पहुंचती। गुरुजी तो 1-2 गांव में घूम के देते थे, तुम तो 10 गांवों तक पहुंच जाओ। ऐसा यहाँ के बच्चे कंप्यूटर वाले, ये ऋषि प्रसाद के छपाने वाले, ये सब मिलकर जब अकेला आदमी हो किसी को तारना चाहे तो 2-4 किलो को उठा के तारे, और कोई साधन नाव ले जाए तो कुछ तारेगा, लेकिन जब स्टीमर है तो 1000 टन तर जाते। ऐसे हजारों ने 20 लाख घरों में ऋषि प्रसाद जाता है। एक घर में 4-5 बंदे बंदियां होंगे, और घर वाले अकेले चुप नहीं बैठते, अरे ये बात बढ़िया है, पड़ोसी को बताएगा। तो एक ऋषि प्रसाद अगर 10-20 आदमी भी पढ़ते हैं तो कितने तक की सेवा पहुँच। मेरे गुरुजी की सेवा का तो बीज था, मैंने थोड़ा पौधा लगाया और तुमने उसको वटवृक्ष बनाने का जो बीड़ा उठाया है, ये कोई अभागे आत्माओं का काम नहीं है। ऋषि प्रसाद सम्मेलन वालों को संदेश देना चाहता हूँ, तो जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तो बैल के द्वारा भी भगवान उपदेश दिए, ये उपनिषदों की बात तुमको कह रहा हूँ। तो तुम्हारे जीवन में श्रद्धा है और सेवा है ऋषि प्रसाद के सेवाधारियों में, ऋषि प्रसाद वालों की सेवा से हम संतुष्ट है, प्रसन्न है। तो दान भी कई प्रकार 8 प्रकार का होता है, अन्नदान, भूमिदान, गौदान, गौरसदान, विद्यादान, कन्यादान, लेकिन सब दानों से सर्वोपरि स्वर्णदान, स्वर्णदान से भी सर्वोपरि क्या है कन्यादान, कन्यादान से सर्वोपरि दान क्या है। अरे बाबा, सर्वोपरि दान है तुम्हारा ऋषि प्रसाद का सत्संग दान। कन्यादान वाला को कन्या दी, स्वर्ण वाले को स्वर्ण दिया, भूमि वाले को भूमि दिया, लेकिन गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जिसको ऋषि प्रसाद बांटने वाले का मुलाकात हो गई, दोस्तों मिल गया सत्संग दान। धन्य माता पिता धन्य, जो 84 लाख के चक्कर से छूट गए ना गुरु के देवी कार्य में और गुरु भक्ति में और भगवान के नाम में आए हो। अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं भी थी तो श्री प्रसाद वालों ने के भगवत प्राप्ति के वाला है, तो न कश्चित दुर्गति बात गच्छति, सुकृत वालों की दुर्गति नहीं होती, श्री कृष्ण ने कहा।
ऊंचे लोकों में जाते हैं, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में, अगर वहाँ रुचि नहीं हुई तो फिर श्रीमान के घर जन्म लेते हैं। ये छोटी सी पत्रिका ऋषि प्रसाद बापूजी के सत्संग प्रसंगों को घर घर पहुँचाने का काम करती है और कई बार साधुओं के विचार भी बापूजी तक इस पत्रिका के जरिए पहुँचते हैं। दरअसल ये महज एक पत्रिका नहीं, गुरु और शिष्य के बीच एक मजबूत पुल है। आज कई भाषाओं में छपने वाली ऋषि प्रसाद के करोड़ों पाठक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस पत्रिका ने कई बड़े बड़े काम किए हैं, सत्संग में भी और सत्संगियों के जीवन में भी। इस ऋषि प्रसाद की सेवा करने वालों को हमारा शत शत प्रणाम।